हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आपसे मिल रही हूँ 2 से 3 दिनों के बाद। बीच में मैंने अपलोड नहीं किया है कोई भी व्लॉग, और ये जो व्लॉग है ये बैंगलोर का ही है। तो इसमें हाँ, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने बैंगलोर में ली थी और कुछ चेन्नई की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रिसेप्शन में यहाँ पहुँच गए हैं बैंगलोर में, जो शादी में हम गए थे। और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, पानी पूरी ट्राई कर रहे हैं, तो मस्ट है कोई भी शादी में। और बहुत ही टेस्टी पानी पूरी थी। और उसके बाद ना, ये कुछ नया था वहाँ पर, रसगुल्ला चाट। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा है, रसगुल्ला चाट। तो ये मैंने लिया था, तो अभी हम ट्राई करेंगे इसको और बताती हूँ आपको कैसा है। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ हस्बैंड के लिए। पहले वो, मैंने कहा आप ट्राई करो, देखो कैसा है। तो उन्होंने ट्राई किया तो उनको कुछ खास नहीं लगा, और मैंने भी ट्राई किया तो बस ओके सा था। रसगुल्ला जो था काफ़ी मीठा रहता है, तो बस थोड़ा सा खट्टा टेस्ट उसमें चटनी का आ रहा था, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। और ये है जो है, ये कपल है जिनकी हम शादी में आए हैं, तो आज रिसेप्शन था उसी में हम अटेंड कर रहे हैं रिसेप्शन। तो बहुत ही प्यारा कपल था। और उसके बाद तो हमारा खाना पीना वहाँ पर चालू ही था। तो और ये थी हमारी डिनर की थाली, और भी आइटम्स थे। तो बस, और ये जो है ना, रिटर्न जब हो रहे थे वहाँ से, इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर पे हम स्टे कर रहे थे, तो वहीं पर चले गए थे घर पे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग बैंगलोर का ही, उनके घर पे मैंने यहाँ पर कुछ सैंडविच बनाया था, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। सिंपली प्याज टमाटर और जो क्या बोलते हैं खीरा, वो डाला था, और थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी थी, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ये सब डाल के मैंने टोस्ट कर लिया था ब्रेड को। तो बस यही था ब्रेकफास्ट। तो ये जो है ना, वो जो फ्रेंड है ना इनके हस्बैंड के, उनकी सिस्टर थी, तो वो भी मुझे हेल्प कर रही थी यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगा सबको सैंडविच, क्विक एंड ईजी बन गया था, सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर जो है, उनसे कुछ बातें कर रही थी मैं। सो ब्रेकफास्ट और हो गया था वहाँ पर, और यहाँ पर जियांश कर रहा है अपने पापा के साथ मस्ती। और इसके बाद हम लोग फ्रेश होके गए थे मॉल, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम लिए थे वहाँ पर। और उसके बाद जो है ना, वापस घर आए थे तो शाम हो गई थी। और वहाँ पर फिर हमने ये डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था, तो वो बस यही था हमारा डिनर। और उसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे चेन्नई के लिए। तो बस यहाँ तक का था बैंगलोर का व्लॉग। और ये हम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं, यहाँ से हम ट्रेन में बैठ जाएंगे चेन्नई के लिए। और जो इसके बाद का व्लॉग जो भी आप देखेंगे वो होगा चेन्नई का। तो बस यहाँ पर जा रहे हैं अपना स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। और इसके बाद ना, आपको बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलाऊंगी मैं चेन्नई में। तो हाँ, मेरे इन लॉज आए हैं चेन्नई में, 2 दिन के बाद का ये वीडियो है जो आप लोग को अभी देख रहे हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ है, उनके नेक्स्ट में जो रेड टी शर्ट पे है वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो बस वो आए हैं आज, इस बार काफ़ी दिनों बाद, 7 से 8 महीने बाद ही आए हैं यहाँ पर। और जियांश जो है ना, सुबह उठ के आया है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था दादा दादी से मिलके, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कर रहा था इन दिनों वो। और यहाँ पर ना सुबह आ गए थे 6:30-7 बजे के करीब, और हमारा यहाँ पर चाय वगैरह भी हो गया था। उसके बाद जो मम्मी कुछ मटर वगैरह लाई थी वो छील रही थी। और यहाँ पर मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है यहाँ पर सूरती खमन, जो दाल के ढोकला होता है, दाल का ढोकला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी आज रेसिपी, बट मेरे साथ एक पंगा हो गया। एक्चुअली मैंने शूट किया था रेसिपी सुबह, लेकिन ना वो रिकॉर्ड बटन ऑन नहीं था, और मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है। जब मैं एडिट करने बैठी तो मैंने देखा वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी वापस बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और रफली मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना शाम के टाइम पर, प्रीवियस डे शाम के टाइम पर, मैंने एक कटोरी चने की दाल, और 1/4 ही पोहा, और 1/4 उड़द की दाल को मैंने सोक कर दिया था, और रात को मैंने उसे पीस लिया था भिगो के।
तो अच्छे से पीसने के बाद मैंने उसे फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे उसमें कुछ मसाले ऐड किए थे और फिर वही मैंने स्टीम करा था। तो बस यहाँ पर ना ऑयल ले लिया है और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड सीड्स, और ये जो ग्रीन चिली है ना ये ढोकलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये पहले तल के निकाल लूँगी मैं। और उसके बाद जो है थोड़ा हींग डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी, और जो मैंने ढोकले बनाए हैं वो उसमें डाल दूँगी। यहाँ पर जो है ना ढोकलों को मैं कट करने वाली हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो प्लेट है कितनी क्लीन निकल गई है, तो अच्छे से ग्रीस कर दिया था मैंने। और यहाँ पर ढोकले को कट कर रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही टेस्टी। अगर आपने सूरत आप गए हो या गुजरात से हो तो आपने ये खमन ज़रूर खाए होंगे, वहाँ पर खमन बोलते हैं इसे, कोई ढोकला भी बोलता है। तो बस इस तरह से, तो बहुत ही सॉफ्ट बने थे, काफ़ी टेस्टी हुए थे। पूरी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से जो ना आपको जो भी शेप चाहिए, जितना बड़ा छोटा साइज़ चाहिए उस हिसाब से इसको काट लिया है मैंने, और आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आपको अच्छे से क्लोज़अप दिखा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा बना था ये। और इसके बाद मैं इसे भी कट कर लूँगी, और जो ऑयल है मैंने गैस एक बार बंद ही कर दिया है, पहले इसे ऑयल में डाल के मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा स्टीम दे दूँगी वापस। सो यहाँ पर जो ढोकले हैं उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है ऑयल में, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी को ऐड करूँगी और थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दूँगी, किसी से टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आता है। और बस इसे ढक दूँगी मीडियम नहीं, स्लो पे ही, और बस 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो खमन है उसमें जो है ना मसाले अच्छे से मिल जाए और थोड़े वो गर्म भी हो जाए वापस। तो बस देखिए यहाँ पर जो खमन है, ढोकले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, काफ़ी अच्छे बने थे, सॉफ्ट एंड टेस्टी, सभी को बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरे फादर इन लॉ को पसंद आया। तो बस ये मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो उनके लिए बना दिया था, संडे था आज, तो अच्छे से उन्होंने आराम से सबने खा लिया यहाँ पर। जियांश यहाँ पर नहा रहा था अपनी दादी के साथ आज, तो बस वहाँ पर मम्मी ने नहला दिया था उसे। यहाँ पर जियांश को मैं कपड़े पहना रही हूँ, ना कि वो आ गया था, तो अभी सिर्फ पापा ने और इन्होंने मेरे हस्बैंड ने जो ब्रेकफास्ट किया है, अभी मैं और मम्मी अभी बाकी है, तो पहले जियांश को रेडी कर दूंगी जब तक मम्मी भी नहा के आ जाएगी, और मैंने तो नहा ही लिया था पहले। तो बस यहाँ पर जियांश को रेडी कर रही हूँ, काफ़ी नखरे करता है यार वो क्रीम लगाने में, ऑयल लगाने में, तो बस थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं बच्चे यार, तो कोई नहीं, उसको थोड़ा बहुत मैं इंगेज कर देती हूँ, थोड़ी क्रीम उसके हाथ में दे दिया है तो वो मेरे पास आ गया था और वो खुद से भी लगा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं उसे बुला रही थी हेयर में ऑयल लगाने के लिए, पर वो नहीं आ रहा था, फिर वो आ गया। तो बस बच्चे ऐसे ही करते, हर चीज़ में उन्हें मस्ती चाहिए, तो बस यहाँ पर उसे रेडी कर दिया मैंने। और यहाँ पर जब तक वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी नहा रही है, तो मैंने कुछ कपड़े थे वो उतारे थे, तो उसे फोल्ड कर दूंगी। और जियांश जो है ना काफ़ी खुश है आज, क्योंकि उसके दादा दादी आए हैं, तो बस खेलने के लिए उसे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार खेल रहा था दादा के साथ, तो बस मज़ा आ रहा था उसे।
पर ना मैंने और मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, और उसके बाद जो कुछ बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो आज जो है हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है, संडे को यहाँ पर छुट्टी होती है हाउस हेल्पर्स की मोस्ट ऑफ द एरियाज़। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्तन साथी के साथ मैं वॉश करती जाऊँगी ताकि एक बार में ज़्यादा ना हो, तो बस वही वॉश कर रही हूँ बर्तन। और मैं इसके बाद बनाऊंगी लंच। तो लंच जो है ना सबने कहा कि काफ़ी सिंपल ही है बनाना, क्योंकि ऑलरेडी वो ढोकला खा लिया था तो वो हैवी हो जाता है थोड़ा। तो फिर मैं सिंपली दाल चावल और आलू का भरता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर दाल चावल को भी सोख करके रख ही दिया था मैंने इसके बाद, और जो है ना जब बनाऊंगी तो फिर फटाफट से बन जाएंगे। और आज के जो व्लॉग को है ना मैं यहीं पर एंड करूँगी, और अभी से आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, मैं ट्राई करूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन भी धो दिए थे और दाल चावल को मैंने वॉश कर दिया था, उसे सोख कर दिया था। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।